तो भैया अगर आप भी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कैसे 12th की मार्कशीट आप अपलोड करें, कैसे इसमें फोटो लगानी है, क्योंकि फोटो के बारे में भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपकी फोटो इस वजह से रिजेक्ट हो सकती है अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी और आप यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड कर देंगे तो आपकी फोटो 100% रिजेक्ट होने वाली है। और साथ में यहाँ पर सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करेंगे, कैसे इसका साइज वगैरह आप सेट करेंगे, कैसे इनको PDF में बदलेंगे, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबा दीजिए और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब होगा क्या, बेसिकली इस ऐप से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड ऑनलाइन शॉपिंग करता है अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो इस ऐप के थ्रू आप अमेज़न की भी कई सारे प्रोडक्ट वगैरह की लिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट के ऑप्शन आ जाते हैं। जब आप इसमें जैसे मान लीजिए आपको अमेज़न से कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो इसमें अमेज़न वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपके फोन में डायरेक्ट अमेज़न ऐप ओपन हो जाएगा। अब अमेज़न ऐप जब ओपन हो जाए इसके बाद आप अमेज़न से कोई भी शॉपिंग वगैरह करेंगे ये ऑटोमेटिक ऐप डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ परसेंट में मतलब 5% के आसपास कमीशन लौट कर आ जाएगा, यानी कि जितनी भी आप शॉपिंग करेंगे 5% के हिसाब से आपका इसमें कमीशन लौट कर आ जाएगा। या फिर आपके किसी फ्रेंड को कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप इसी ऐप के थ्रू लिंक जनरेट करके उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, अगर आपका फ्रेंड उस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों काफी काम का ऐप है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैंने पिछले महीने ही इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास रुपए विड्रॉल किए थे, तो काफी काम का ये ऐप है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पहले बता देता हूँ जो कि इसके स्टार्टिंग में लिखकर आता है, मतलब जैसे आपको यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड करनी है इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर मतलब फोटो सिग्नेचर वगैरह जो आप अपलोड करेंगे वो आपके रिजेक्ट ना हो। जैसे कि दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखकर आएंगे, जिसमें सबसे पहले फोटो से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस डेट में नोटिफिकेशन आया है, और साथ में जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसके साइज यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशंस की यहाँ पर कुछ ज्यादा कंपलसरी नहीं रहता है, बस आपकी फोटो वहाँ पर जब आप अपलोड करें तो 100 हो जानी चाहिए, तो मतलब आपकी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगी, बस आपको साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा। फोटो में आपको कोई टोपी वगैरह नहीं लगानी, चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, दोनों कान आपके साफ नजर आनी चाहिए, और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल गाइडलाइन लिखी हुई है कि जो आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें साफ साफ फोटो खींचने की तारीख प्रिंट होनी चाहिए। आप चाहें तो उसके ऊपर नाम डलवा सकते हैं, वैसे नाम से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे रखी है तो आप चाहें तो नाम डलवा सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस डेट में फोटो खींची है वो डेट उसमें साफ साफ प्रिंट होनी चाहिए, जिससे उनको पता चल जाएगा कि फोटो आपकी 3 महीने ज्यादा पुरानी है या नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि भैया अगर डेट ऑफ फोटो प्रिंट नहीं है फोटो के ऊपर तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, और साथ में ब्लर फोटोग्राफ भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, तो साफ सुथरी फोटो आपको लगानी है। कोशिश करिएगा व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो आप अपलोड करें। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से 20 KB के बीच में आपको JPG फॉर्मेट में साइन अपलोड करने हैं। डायमेंशन यहाँ पर दे रखे हैं तो डायमेंशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब दोस्तों डायरेक्ट मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर आ गया हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज 1 MB से कम का होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में रहेगी और इसका साइज भी 1 MB से कम का रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपनी अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो जिसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने अभी आपको बता दिए थे, उसमें डेट ऑफ फोटो प्रिंट होनी चाहिए और साथ में उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर में कोशिश ये करिएगा दोस्तों आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करें, क्योंकि ब्लैक पेन से जितने साइन होते हैं वो साइन मतलब रिजेक्ट होने के चांसेस उसमें 0 के बराबर हो जाते हैं, लेकिन ब्लू पेन से साइन किया रहता है कभी कभार हल्के हो जाते हैं तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। इस वजह से आजकल ज्यादातर फॉर्म जितने भी नए आ रहे हैं उसमें वो गाइडलाइंस में साफ साफ दे देते हैं कि भैया आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं, तो इसमें भी कोशिश ये करिएगा कि आप ब्लैक पेन से ही साइन करें। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, जिसके लिए आपको आ जाना है formjankari.com पर। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपको नजर आएंगे इन सभी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इनका चार्ज वगैरह नहीं कटेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको रायोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में, इसके बाद आपको फास्टस्ट्रॉन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। रायोट सॉफ्टवेयर के लिए आप चाहें अगर 32 बिट वाला सिस्टम चला रहे हैं तो 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, 64 बिट का सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे आप डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपने फोटो
स्कैन करिए, मार्कशीट का मतलब स्कैन किया उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साइज वगैरह उसका सेट करना पड़ेगा। कई बार क्या जाता है डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 5-6 MB का चला जाता है या फिर फोटो भी काफी बड़ी हो जाती है, 100 KB की जा रही है या फिर 1 MB में जा रही है, तो उसका साइज वगैरह अपन को सेट करना पड़ता है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से आप यहाँ पर बड़े आराम से साइज वगैरह सेट कर पाएंगे और पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट को। तो अब आ जाते हैं वापस से, जैसे कि हमें यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है तो इसको हमें पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइज 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास ये मार्कशीट डली हुई है, ये सैंपल मार्कशीट है, मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी, ये मेरी मार्कशीट नहीं है। इसके बाद मैं इसका साइज देख लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आकर यहाँ पर लिखा हुआ है साइज 90 KB का है। वैसे तो ये साइज सही है, आराम से मैं अपलोड कर सकता हूँ इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, लेकिन हो सकता है आपकी मार्कशीट साइज यहाँ पर ज्यादा हो रहा हो। तो सबसे पहले तो आपको राइट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मार्कशीट को उठाकर रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर कंप्यूटर टू साइज का ऑप्शन नजर आएगा, इसके बगल में आपको रिसाइज का ऑप्शन नजर आएगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मार्कशीट अगर आपकी लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है तो वैसे में आपको डाल देना 650 और हाइट में डाल देना 1000। लेकिन कई बार मार्कशीट क्या रहता है, सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट रहती है तो वो उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है लंबाई कम रहती है, मतलब कई कई साल में ऐसा हो जाता है। तो अगर आपकी मार्कशीट की चौड़ाई ज्यादा है तो यहाँ पर आप 1000 कर देंगे और हाइट में आप 750 डाल देंगे। तो इसी तरीके से आपको इंटरचेंज कर लेना है। अभी मेरी मार्कशीट की लंबाई ज्यादा है तो मैंने हाइट में 1000 कर दिया है और ऊपर वाले ऑप्शन में 750 कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों टिक लगाओ तो टिक हटा देना है आपको, उसके बाद यहाँ पर साइज वगैरह सेट करना है, इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज यहाँ पर कम होने लगेगा, ये साइज आपको नोट करना है, यहाँ पर 125 KB का हो गया है। इसके बाद अगर आप और कम करना चाहें तो और कम कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से राइट साइड में लेके आगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर साइज सेट कर लेना है, 1 MB से कम का रखना है, यहाँ पर तो हमारा 200 KB के आसपास ही है। इसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब इस मार्कशीट का हमारा साइज कम हो गया है, अब इसको हमें पीडीएफ में बदलना है। तो पीडीएफ में बदलने के लिए आपको जो मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर बताया था फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर, इसको इंस्टॉल करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विथ का आपको ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको दिख जाएगा फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको आ जाना है। यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट का नजर आएगा सेव एज टाइप वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लास्ट में आपको पीडीएफ का ऑप्शन नजर आएगा। तो आप इसको मतलब मार्कशीट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, अपने नाम से Mark 10 डाल देता हूँ मैं, इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारी यहाँ पर मार्कशीट सेव हो चुकी है, साइज इसका मैंने पहले ही कम कर लिया था और इसको मैंने सेव भी कर लिया है, ये रही मेरी मार्कशीट। तो इसको हमें अपलोड कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी मार्कशीट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर व्यू फाइल का ऑप्शन आने लगा है। अब इसके बाद हम 12th की मार्कशीट भी इसी तरीके से साइज वगैरह सेट करना है। सबसे पहले तो मार्कशीट को आपको स्कैन कर लेना है और इसके बाद इसी तरीके से आपको साइज सेट करना है, उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो मैं ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए यहाँ पर डायरेक्टली इसको अपलोड कर देता हूँ। साइज उसी तरीके से आप यहाँ पर बना लेंगे जैसे कि हमने 10th की मार्कशीट का बनाया था, एक में 750 रखा था, एक में 1000 रखा था, तो उसी तरीके से आप 12th की मार्कशीट के लिए भी बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करनी है तो सेलेक्ट कर लेते हैं फोटो भी। ये हमारे पास नाम डेट वाली फोटो है, इसको हमें अपलोड करना है। इसका साइज वैसे तो ज्यादा हो रहा है 94 KB का, हमें इसको बनाना है 20 से 50 KB के बीच में। तो राइट सॉफ्टवेयर को हम वापस से ओपन कर लेते हैं और फोटो को उठाकर इसमें रख लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो रिसाइज वाला ऑप्शन नजर आ रहा था उस पर क्लिक कर देना है, वेथ में आपको डाल देना है, मतलब चौड़ाई, वेथ मतलब चौड़ाई होता है, इसमें आपको डाल देना है 350 और हाइट में डाल देना है 450। कीप एब्सेंट रेशो पर यानी कि इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाओ तो टिक हटा के आपको ये दोनों ऑप्शन भरने हैं, इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साइज कम होने लगेगा, तो इस साइज को आपको देख लेना 20 से 50 KB के बीच में ये साइज हो जाना चाहिए। यहाँ पर 36 KB का हो गया है, आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। 39 KB का करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया है। तो फोटो भी हमारी अपलोड हो गई, अब हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर का साइज हमें रखना है 10 से 20 KB के बीच में। ये डले मेरे पास साइन, इसका भी साइज हम राइट सॉफ्टवेयर से सेट कर लेंगे उसी तरीके से। ये हमने साइज सेट कर लिया है 10 से 20 KB के बीच में। इसका मैं बता देता हूँ पिक्सल्स, यहाँ पर से टिक हटा देना है आपको, यहाँ पर डाल देना है 550, इसमें डाल देना है 250, क्योंकि दोस्तों साइन के केस में वेथ ज्यादा रहती है, हाइट कम रहती है। अगर आपके साइन ज्यादा चौड़े नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर चौड़ाई आप कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 400 डाल सकते हैं, लेकिन हाइट में आप 250 ही डालें तो ज्यादा सही है। इसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पर आप क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसके बाद इसको सेट कर लेते हैं। 10 से 20 KB के बीच में आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज का साइज रखना है और मेरा 13 KB का हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं अपन और इसको अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको नजर आया हमने चारों चीजें यहाँ पर अपलोड कर ली हैं, इसी तरीके से आपको भी अपलोड करना है। अगर आपको अपलोड करते टाइम या फिर किसी भी दूसरे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था काफी अच्छा कमीशन कमा सकते हैं आप इस ऐप से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी दे रखी है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए।